हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये है लेक्चर नंबर 8 और इस लेक्चर में हम लोग रूल नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत बहुत रेयर पूछा जाने वाला है लेकिन है इम्पॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन मतलब कोई इवेल्युएटर है या एग्जामिनर है वो अगर फंसाना चाहता है तो 100% ऐसे सवाल दे देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अब मेनली सवाल उठता है कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पता कैसे करेंगे, कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सा आपको रूल लगाना पड़ेगा। वो एक ही मात्र सॉल्यूशन है, आप उस सारे क्वेश्चंस को आप रेगुलरसली प्रैक्टिस करोगे। अब जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको बेहतरीन तरह से आइडिया हो जाएगा, मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का। बिना प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो इधर फोकस करो। रूल नंबर 6 बोल रहा है कि अगर आपका MDX + NDY = 0, अगर कोई फॉर्म है इस फॉर्मेट में, अगर आप इसको लिख पा रहे हो x टू द पावर ऑफ अल्फा y टू द पावर ऑफ बीटा MY DX + NX DY = 0, इस फॉर्मेट में अगर आप लिख पा रहे हो, तब उस केस में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले इस वाले फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है। इस वाले फॉर्मेट में क्या है देख लो, अंदर में y dx रहना चाहिए, x dy रहना चाहिए, y dx के साथ में कुछ वैल्यू रहनी चाहिए, x dy के साथ में कुछ वैल्यू रहनी चाहिए, साथ ही साथ x और y का पावर में बाहर कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे आपने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, तब इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आपको वो मिलेगा x टू द पावर ऑफ kn माइनस 1 माइनस अल्फा और y टू द पावर ऑफ kn माइनस 1 माइनस बीटा। बात है समझ में, वेयर k कैन हैव एनी वैल्यू, जिसमें k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वही आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया कि अगर आपका ये फॉर्मेट है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, 100% होगा। तो कुछ रिमार्क पॉइंट्स हैं। सो इफ MDX + NDY इज इक्वल टू 0 कैन बी पुट इन द फॉर्म, अगर उस वाले फॉर्मेट को आप दो अलग अलग सेपरेट फॉर्म्स में आप डाल पा रहे हो, x टू द पावर अल्फा y टू द पावर ऑफ बीटा टाइम्स MY DX + NX DY, ये हो गया अलग पार्ट, प्लस x टू द पावर ऑफ अल्फा डैश y टू द पावर ऑफ बीटा डैश, इसको आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो M-Y DX + NX N-X DY, दो अलग अलग पार्ट्स हो गए। ठीक है, इस केस में अल्फा बीटा m n अल्फा डैश m डैश m डैश n डैश, ये जितने भी सारे हैं ये सारे हैं आपके कॉन्स्टेंट्स, और इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कंसिडर करेंगे x टू द पावर ऑफ h y टू द पावर ऑफ k। कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये एक नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो जब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एग्जैक्ट इक्वेशन में बस। और जैसे ही एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ तो क्या करना है, लगा दो सॉल्यूशन एग्जैक्ट वाले। उसी तरह से यहाँ पे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में, बन जाएगा एग्जैक्ट। और जैसे बन गया एग्जैक्ट तो क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, h एंड k, अब सवाल उठता है कि h और k को निकालेंगे कैसे। तो h एंड k आर ऑब्टेंड बाय अप्लाइंग द कंडीशन दैट द गिवन इक्वेशन मस्ट बिकम एग्जैक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग x टू द पावर ऑफ h y टू द पावर ऑफ k। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा समझ में कि क्या कहना चाह रहा है। देखो एग्जांपल, देखो सॉल्व y स्क्वायर + 2x स्क्वायर y dx + 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये है आपका क्वेश्चन। ये बोला सॉल्व करने के लिए, आपको मेथड नहीं बोलेगा कौन सा मेथड सॉल्व करो, आपको बोलेगा कि ये है। ठीक, और इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है ताकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे मैच कर लेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, दो अप्रोच आपको सिखाएंगे, आपको जो अप्रोच अच्छा लगे आप उसको फॉलो करिएगा। तो पहला अप्रोच में हम लोग ये वाला चीज लगा रहे हैं कि अगर आपका कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है, देखो क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें y स्क्वायर + 2x स्क्वायर y स्क्वायर + 2x स्क्वायर y टाइम्स dx प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखो वही क्वेश्चन है जो यहां पे था, क्योंकि यहां से हम बार बार ऐसे देखो y स्क्वायर प्लस
2x square y dx plus 2x cube minus xy dy is equal to 0, ठीक है? क्या करोगे इसको? इसको कन्वर्ट कर दोगे इस वाले फॉर्मेट में, मतलब समथिंग ये अंदर में y dx plus nx dy, sorry, y dx plus x dy वाला टर्म रहना चाहिए, इधर भी y dx plus x dy वाला टर्म रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हमको दिख रहा है y dx plus x dy वाला टर्म तो चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको इसको पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा, तो हम इसको तोड़ रहे हैं। तो आप इसको लिखोगे y square dx, फिर 2x square y dx, फिर plus 2x cube dy, फिर minus xy dy। अब देखो यहीं से आपको पता करना है कि पेयर हम किसका किसका बनाए। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि 2-2 वाला टर्म्स कुछ है, तो इस दोनों का पेयर बना देते हैं, और इधर आपको कुछ दिख रहा है तो इस वाला हमको दिख रहा है। आपको dx है, एक dx लेना पड़ेगा dy, और एक dx और एक dy। तो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को एक साथ लिख रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे y square dx, और इधर लिखो माइनस xy dy। एकदम आसान बनाएंगे, ठीक है? तो आसान बना रहे हैं, इसीलिए पेशेंस के साथ एक बार सीख लो, उसके बाद फिर और कहीं कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। 2x square y dx हो गया, और इधर क्या लिखोगे, 2x cube dy is equal to 0। अंदर में चाहिए y dx plus x dy। देखो क्या चाहिए यहाँ फॉर्मेट में, y dx plus x dy चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं जो अंदर में y dx plus x dy रहे, और बाहर में कुछ जो कॉमन लेने की मर्जी हो कॉमन। तो यहाँ पे हम रखते हैं y dx, कोई दिक्कत नहीं। x dy रखना है हमको, तो हम इसको रखेंगे माइनस x dy। ये लिख दिया, प्लस माइनस वो बात का बात है, वो कांस्टेंट के टर्म्स में आ जाएगा। दिख रहा है इससे क्या ले लिया हम, यहाँ पे y square dx है ना, तो यहाँ पे ले लिया y dx, और यहाँ पे xy dy है, तो इसका हम ले लिए x dy, क्योंकि हमको रखना है किस फॉर्मेट में, y dx plus x dy। तो y dx plus x dy हो गया है। इधर क्या रखना चाहिए हमको बताओ, यहाँ पे हमको ऐसा कुछ रखना चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y square बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमको y रखना पड़ेगा, जिससे हमको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर मिल जाएगा, और y को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो मिल रहा ही है। कुछ और नहीं है मेरे पास, लेकिन हमको x के फॉर्मेट में रखना ही पड़ेगा, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 को x के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये है और कुछ नहीं, x टू द पावर ऑफ 0 है, y का पावर और कुछ नहीं है, तो पावर क्या है, 1 है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कर दिया सेपरेट, अब देखो प्लस कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अंदर में फिर से y dx plus x dy रखना है। तो हम अंदर में क्या कर रहे हैं, देखो y dx जैसे का तैसा हम छोड़ दिए, y dx जैसे का तैसा हम छोड़ दिए, और x dy, तो यहां पे भी हमको x dy छोड़ देना है। y dx और x dy, बाहर में आपको x रखना है, y रखना है, तो यहां पे आप x रखो और y रखो। अब सोचो कि अंदर में हम क्या ऐसा डालें जिससे हमको ये मिल जाए। तो आपको दिख रहा है कि 2 तो बाहर में नहीं रख सकते हो, 2 कहां रखना पड़ेगा, 2 अंदर में ही रखना पड़ेगा, तो 2 अंदर का काम हो गया। फिर आपको दिख रहा है कुछ कि यहां पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे 2x स्क्वायर y आना चाहिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको तो दिख रहा है कि 2xy स्क्वायर आ जा रहा है। y यहां पे देखो आपको क्या चाहिए, यहां पे आपको चाहिए ये वाला पोर्शन, तो 2x स्क्वायर y dx plus x dy, y dx चाहिए और x dy चाहिए। तो y dx मैंने रख लिया इधर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में, यहां पे रखने का क्या मतलब है, यहां पे y चाहिए हमको क्या, मतलब यहां पे कुछ नहीं है, मतलब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y ही रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहां के y के पावर में तो 0 आएगा, तभी तो 0 प्लस 1 अंदर में 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन x के आपको पावर 2 चाहिए, तो आप क्या करोगे, x के पावर में 2 दे दोगे। देखो कैसे बायफर्केट कर रहे हैं हम लोग, y dx अंदर में बैठा दिए, x dy भी अंदर में बैठा दिया, बाहर में जो मर्जी करना पड़े उसको करो। तो 2 अंदर में डाल दिया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या ये मिल रहा है, 2 आ जा रहा है, फिर x स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है, फिर y ये पावर 1 है, सॉरी पावर 0, तो मतलब 1,
वन इंटू वाई मतलब वाई, तो ठीक है ये परफेक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको देखो गौर से, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर है, अंदर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब ऑटोमेटिकली होना ही है, तो ठीक है। टू चाहिए आपको, तो बस क्या करोगे इसको टू से कर दो मल्टीप्लाई, आ गया समझ में? अब करो मल्टीप्लाई, तो टू हो गया, एक्स क्यूब हो गया और वाई डी वाई हो गया, बस बात खत्म। आपका पूरा फॉर्मेट रेडी है, यही करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पेयर बनाना और ये सब सिफाई करना। तो जैसे ही हो गया ये, तो क्या करोगे, बस कर दो इसको, यहां से निकाल लो अल्फा बीटा जो भी है। जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपको अल्फा क्या मिल रहा है, जीरो, बीटा क्या मिल रहा है, वन। बीटा क्या है, वन है, यहां पे m था तो m क्या मिला है, y, सॉरी m मिला है वन, n क्या मिला है, माइनस वन, तो लिखेंगे यहां पे माइनस वन। यहां पे देखो अल्फा डैश क्या मिला, अल्फा डैश मिला है हमको टू, फिर y बीटा क्या मिला, बीटा डैश, यहां से बीटा डैश देखो बीटा डैश है जीरो, फिर एम डैश है टू, एम डैश है टू और एन डैश है टू, एन डैश है टू, ये सब आ चुका है। अब ये बताइए मुन्ने, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने क्या लिखा था, क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो तो एक्स टू द पावर ऑफ के एम माइनस वन माइनस अल्फा, के एन माइनस वन माइनस बीटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ के एम माइनस वन माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड विथ वाई पावर के एन माइनस वन माइनस बीटा। ये था इसका पहला पार्ट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं आई एफ वन, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर पार्ट वन। तो निकाल लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर पार्ट वन, बैठा दो यहां पे x टू द पावर ऑफ के एम, के मतलब k रहने दो कोई दिक्कत नहीं, m का मतलब 1 तो छोड़ दो, माइनस 1 कर दो, माइनस अल्फा मतलब माइनस 0 तो यही रहेगा, ठीक है। y के पावर में क्या आ जाएगा, k का k आ जाएगा, n n का पावर में माइनस 1 तो यहां पे माइनस आ जाएगा, फिर माइनस 1 डाल दो, और बीटा क्या है, बीटा है 1 तो इसमें क्या डाल दो, 1 डाल दो, आया समझ में? क्या किए, y पावर के एन माइनस वन माइनस बीटा, k का वैल्यू है आपके पास कहाँ गया, k, k तो रहेगा ही वैसे, n का वैल्यू है माइनस वन, इसलिए k इंटू माइनस वन माइनस के, सो माइनस के इंटू वन इंटू माइनस वन, तो ये क्या बन गया फाइनली, ये बन गया k माइनस टू। तो इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर ऑफ k माइनस वन, y टू द पावर ऑफ माइनस k माइनस टू, ये है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पार्ट वन। उसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकेंड वाले पार्ट के लिए निकालो, तो बोलोगे सर इस केस में हम वही चीज करेंगे, यहां पे लिखेंगे x टू द पावर ऑफ k m डैश माइनस वन, m डैश माइनस वन k m डैश माइनस वन माइनस अल्फा डैश इंटू y पावर k n डैश माइनस वन माइनस बीटा डैश। तो x टू द पावर ऑफ k तो k रहेगा, m डैश क्या है यहां पे, 2 है, तो यहां पे बोलोगे सर ये और कुछ नहीं 2k है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, k नहीं यहां पे k डैश करेंगे क्योंकि यहां पे अलग पलट जाएगा ना, तो यहां पे ठीक है, तो k डैश कर दिया, x टू द पावर ऑफ 2k डैश कर दिया, m डैश मतलब 2 था तो इसलिए ये हो गया, फिर माइनस 1 आ जाओ, फिर अल्फा डैश क्या है 2 है तो यहां पे 2 बैठा दो, y के पावर में k डैश n डैश कितना है 2 है तो इसमें डालेंगे 2k डैश माइनस 1 माइनस बीटा डैश कितना है 0 है तो बैठा दो इसमें, सिंप्लीफाई करो इसको, ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ 2k डैश माइनस 3 y टू द पावर ऑफ 2k डैश माइनस 1, बस बात खत्म, ठीक है। ये रहा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर पार्ट वन, ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पार्ट टू। अब हमको ये बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका एक ही है, एक ही है डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जाहिर सी बात है एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, होगा मतलब ये और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम होगा, तभी तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो थ्रू आउट वो एग्जैक्ट बनेगा, बनेगा ना। तो इससे आपको ये लॉजिक याद रखना है कि इस वाले पार्ट का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस वाले पार्ट का भी होगा, ठीक। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं आई एफ वन को बराबर आई एफ टू से, वहां से के और के डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, बस बात खत्म। आप बैठा दीजिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों एक ही चीज है, मतलब आपको वो चीज पता चल जाएगा। तो आप यहां से आई एफ वन और आई एफ टू को इक्वेट करेंगे, हम मैंने इसको सॉल्व किया है तो देख लेता हूं कि ये आंसर सही आया है या नहीं। पहला का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x टू द पावर ऑफ k माइनस वन, y टू द पावर ऑफ माइनस k माइनस टू, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 2k डैश माइनस थ्री और y टू द पावर ऑफ 2k डैश माइनस वन, परफेक्ट, बिल्कुल सही आया। तो यहां से अब इसको आई एफ वन बराबर आई एफ टू करो, आई एफ वन बराबर आई एफ टू, जब आप करोगे तो क्या मिलेगा, x टू द पावर ऑफ k माइनस वन y टू द पावर ऑफ माइनस के माइनस टू, ये बराबर होना चाहिए x टू द पावर ऑफ 2k डैश माइनस थ्री और y टू द पावर ऑफ माइनस सॉरी 2k डैश माइनस वन, 2k डैश माइनस वन। ये कब इक्वल होगा, जब आपको x का पावर सेम होगा। तो यहाँ से आपको बहुत सिंपल से दिख रहा है k का माइनस वन बराबर है 2k डैश माइनस थ्री के, और माइनस के माइनस टू है ये बराबर है 2k डैश माइनस वन के। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, हम लिखते हैं 2k डैश k को इधर, तो हम लिख देंगे इसमें माइनस के इज इक्वल टू, इसको इधर भगा दो, इसको जब आप इधर भगाओगे तो हो जाएगा 3, 3 माइनस वन हो जाएगा 2, ये बन गया पहला इक्वेशन। अब इसको आप लिख सकते हो 2k डैश माइनस, इसको इधर भगाओगे तो हो जाएगा प्लस के, ठीक है, इसको इधर भगाया, इसको इधर भगाया, तो माइनस वन प्लस वन हो गया, तो प्लस वन मतलब माइनस वन से प्लस वन, सो वन माइनस टू मतलब माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, काट दीजिए इसको, दो दो चार, तो फोर के डैश हो गया, और ये कितना हो गया, फोर के डैश इज इक्वल टू वन। तो यहां से आपको मिलेगा k डैश इज इक्वल टू 1/4, पहला चीज मिला है। अब एक बार माइनस कर दो, तो 2k डैश माइनस k इज इक्वल टू 2 और 2k डैश प्लस k इज इक्वल टू माइनस 1। एक बार हम माइनस कर रहे हैं, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस 2k इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, तो इस केस में k क्या निकल गया, माइनस 3/2, तो आपका k आएगा माइनस 3/2, सही है, और k डैश आएगा 1/4, परफेक्ट। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता चल चुका है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, x टू द पावर ऑफ k माइनस 1, और माइनस ये जब चीज करोगे आप तो आपको मिलेगा माइनस 5/2, बस पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है, k और k डैश की जगह पे जब k के वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये मिलेगा, k डैश ये डालोगे तो एक ही चीज मिलने वाला है, तो x टू द पावर ऑफ माइनस 5/2 आएगा और y टू द पावर आ जाएगा आपका माइनस 1/2। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है तो क्या करना है, अरे सिंपल सा चीज है, निकाल देना, मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। बेसिकली आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है, ये इसमें इस प्रोसेस में आपको सिखाया गया है। तो x टू द पावर ऑफ माइनस 5/2 और y टू द पावर ऑफ माइनस 1/2, ठीक है, जब हम दूसरा मेथड से आपको बताएंगे तो आपको भी यही चीज़ मिलेगा।
तो हम दूसरा मेथड से भी आपको पहले बता देते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, फिर फाइनली एक बार उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालने के दो अलग अलग अप्रोचेस हैं, बस आपको किसी तरह से ये पहुंच जाना है। ये पहुंचने के बाद तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। ठीक, तो देखो याद रखो इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x टू द पावर ऑफ माइनस 5 बाई 2 है, y टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई 2 है। यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक और तरीके से हम आपको सिखाते हैं, यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक और तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखो क्या करें, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा फिर से। ये वाला तो तरीका था, ये वाला है x टू द पावर ऑफ h और y टू द पावर ऑफ k के टर्म्स में निकाल। हाँ, ये वाला चीज़ x टू द पावर ऑफ h, y टू द पावर ऑफ k के टर्म्स में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड, अब देखो x टू द पावर ऑफ h, y टू द पावर ऑफ k, हम मान लेंगे कि यही है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोले कि यही है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर हम इसको इस पूरे इक्वेशन से कर दिए हैं मल्टीप्लाई, तो जाहिर सी बात है ये तो हो जाना है इसको एग्जैक्ट। ठीक है, तो एक तरीका हम दिखाते हैं इसको, क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करके किधर गया, न्यू डॉक्यूमेंट लो, न्यू डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन है मेरे पास y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 2x स्क्वायर y dx, इसको मल्टीप्लाई करना है dx के साथ, फिर प्लस 2x क्यूब माइनस xy dy इज इक्वल टू 0। ये लिखो मेथड 2। ठीक है, क्या बोलोगे इसको, दिस इज मेथड 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का दूसरा तरीका। हम लोगों ने एज्यूम किया कि लेट x टू द पावर ऑफ h, तो यहां पे हम करते हैं लेट x टू द पावर ऑफ h, y टू द पावर ऑफ k बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये है तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बन जाना ही है, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, x टू द पावर ऑफ h, y टू द पावर ऑफ k से कर दो इसको पूरे तरह से मल्टीप्लाई। तो इसको लिखोगे y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y dx हो गया, फिर प्लस x टू द पावर ऑफ h, y टू द पावर ऑफ k, इधर भी मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ लिखोगे 2x क्यूब माइनस xy और इधर dy इज इक्वल टू 0। दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चलो मल्टीप्लाई करो इसको। मल्टीप्लाई इसको करोगे तो x टू द पावर, आपको पता है कि पावर में तो इधर h ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, y के पावर में k प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम k प्लस 2, फिर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ h प्लस 2 होगा और y का क्या हो जाएगा, y टू द पावर ऑफ k प्लस 1 हो जाएगा। इसको रहने दो dx के साथ में, मत छेड़ो इसको, फिर प्लस करो इसको, जब आप प्लस करोगे तब ये मिलेगा x टू द, सॉरी 2 है तो 2 हो जाएगा, x का पावर h और पावर 3 तो कितना h पावर 3, y का पावर k, फिर माइनस x टू द पावर ऑफ h पावर 1 है तो h प्लस 1 करेंगे, हो गया, और y टू द पावर ऑफ k है, y पावर 1 है तो y टू द पावर ऑफ k प्लस 1 करेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ में, dx के साथ में, सॉरी dy के साथ में, तो जब आप इसको dy के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तब ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 0। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब कन्वर्ट हो चुका है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों ने मान ही लिया, ठीक है चलो यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्ट में। अब जब एग्जैक्ट में हो गया तो आप उसका रूल रेगुलेशंस तो जानते हो ना, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ये वाला पार्ट को बोला जाता है m और ये वाला पार्ट को बोला जाता है n, तो जब एग्जैक्ट होता है तो डो एम डो वाई बराबर होना चाहिए डो एन डो एक्स के, यही तो कंडीशन होता है एग्जैक्ट होने का। तो आपको m पता है ना,
आपको m जानते हो यहां से, तो यहां से आप निकाल लो डू एम डू वाई निकालो, तो यहां से डू एम डू वाई निकालो, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो इस वाले पोर्शन का, x तो कांस्टेंट रहेगा तो हम x टू द पावर ऑफ h को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा k प्लस टू, तो लिखा मैंने k प्लस टू, y के पावर में k प्लस टू माइनस वन होगा, तो k प्लस टू माइनस वन मतलब टू माइनस वन मतलब वन, सो k प्लस वन, तो इधर तो आ जाएगा हमारा k प्लस वन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्लस आ जाओ, टू और x ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टू एक्स टू द पावर ऑफ h प्लस टू, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, इसका डेरिवेटिव बोलोगे सर यहाँ पे k प्लस वन को कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, y के पावर में क्या होगा k प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ k, तो हम लिख देंगे इधर k, ठीक हो गया। और कुछ करना है क्या? नहीं करना है, ये हो चुका है काम, ये डो एम डो वाई है। अब क्या करेंगे, अब निकालना है हमको डो एन डो एक्स, ठीक, डो एन डो एक्स निकालना है, तो आपके पास एन है यहां, डिफरेंशिएट कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो वाई को कांस्टेंट, तो आप यहां पे टू वाई टू द पावर ऑफ के को रखो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको बोलोगे सर ये एच प्लस थ्री है और एक्स टू द पावर एच प्लस थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन मतलब टू, तो एच प्लस टू, ये हो गया एच प्लस टू, पार्ट हो गया, माइनस कर दीजिए, वो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है तो y को कांस्टेंट, तो y टू द पावर ऑफ k प्लस वन ये अलग से रहेगा, रहेगा y टू द पावर k प्लस वन ये अलग से रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, h प्लस वन को करेंगे कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई, h प्लस वन को करो कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे x टू द पावर ऑफ h प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन हो जाएगा कट, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ और सिर्फ h, खेल खत्म हो चुका है। आप आपको पता है कि आप क्या करने वाले हो, डो एम डो वाई को इक्वेट करोगे, पावर को फाइंड करो, अरे कर लो h और k निकाल लो, बस देखो जादू, देखो जादू, देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टू समथिंग है, टू समथिंग है, तो इस दोनों को इक्वेट होना है, ये और ये को इक्वेट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ये वाला चीज बराबर होगा इसके, तो देख लो आपको दिख रहा है ना, टू टू वाई पावर के एक्स टू द पावर ऑफ एच प्लस टू, एक्स टू द पावर ऑफ एच प्लस टू, बचा क्या रह गया बउआ, एच प्लस थ्री बराबर के प्लस वन, दिखा, तो यहां पे क्या करोगे, एच प्लस थ्री बराबर के प्लस वन, ये हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखो, इस वाले इक्वेशन में एक्स पावर एच, एक्स पावर एच, वाई पावर के प्लस वन, वाई पावर के प्लस वन, के प्लस टू बराबर होना चाहिए k प्लस वन, साथ में हम माइनस भी उठाएंगे, माइनस भी उठाना है, छोड़ मत देना इसको, ठीक है, तो इसको कर दो k प्लस टू, एच वाला लिखते हैं, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, h प्लस वन, h प्लस वन बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ k प्लस टू, तो माइनस ऑफ k प्लस टू कर दो इक्वेट, इक्वेट ही तो करना है और कुछ नहीं करना, यहां पे आप लिखोगे h माइनस के इज इक्वल टू, देखो इस वाले इक्वेशन से लिख रहे हैं h माइनस के, या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई हम उल्टा लिखेंगे, k लिखेंगे पहले, तो हम इसको लिखेंगे k माइनस h कर दो इज इक्वल टू k माइनस h हो गया, ये इधर चला गया 3 माइनस वन टू, तो k माइनस h इज इक्वल टू टू हो गया पहला इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, एच प्लस वन इज इक्वल टू माइनस के माइनस टू है, तो यहां से क्या हो गया k, यहां पे देखो इसको कि इसको इधर पलट दो, तो यहां पे आ जाएगा आपका सिंपली k प्लस एच हो जाएगा, तो इधर आ गया, तो k प्लस एच इज इक्वल टू ये प्लस वन चला जाएगा उधर, तो माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू माइनस वन का मतलब है माइनस थ्री, बात खत्म, ये इधर चला गया ना, तो माइनस थ्री हो गया। अब क्या करना है, एक बार एड एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस और ये प्लस कट गया, क्या बचा, टू टू द पावर ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो गया, टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन, के इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, अरे ये तो जादू हो गया, पहले भी आपको यही मिल जाता होगा, आपको याद रखना था कि आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x टू द पावर ऑफ माइनस फाइव बाई टू आने वाला था और y टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई टू आने वाला था, आ गया ना के, तो अब h क्या करेंगे, अरे h निकालो, क्या करना है यहां से, h इज इक्वल टू देख लो इसी से निकाल लो, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k माइनस टू, सो k माइनस टू करेंगे तो माइनस वन बाई टू हो गया और माइनस टू कर दो यहां से, क्या माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, बात खत्म।
आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और देखो तरीका कि ये सीख गए ना, चाहे आप इस मेथड से सॉल्व करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, चाहे आप उस मेथड से सॉल्व करिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों तरीके से ही बिल्कुल आएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो फॉलो करें। तो हम लोग टोटल ये क्या हुआ, टोटल हम लोग दो मेथड अप्रोच से, सॉरी टोटल छह रूल्स सीख चुके हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से, आपका खत्म हो चुका है। अब इसके बाद सॉल्व करना जरूरी है क्या? चलो कर ही देते, इतना किए हैं तो कर ही देते हैं। क्वेश्चन था आपके पास, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, अब और कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको बोला था सॉल्व करने के लिए, बोला था सॉल्व वाई स्क्वायर प्लस, चलो बैकग्राउंड हम वाइट रखते हैं, सॉल्व बोला था आपको करने के लिए। और थोड़ा बता देना कमेंट में कौन सा बैकग्राउंड वाला ज़्यादा क्लियर लग रहा है, ब्लैक बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड में एक्चुअली लगता है ना वो जो हम लोग छोटे थे तो सुपर मारियो वगैरह खेलते थे तो वो फील आता था गेम खेलने का। तो वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, टू एक्स स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको डी एक्स के साथ में, साथ ही साथ टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है डी वाई के साथ में इज इक्वल टू जीरो। ये सॉल्व करने बोला था, अरे बस और कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं रहा इसमें। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आपको पता चल चुका है, ये है आपका एक्स टू द पावर ऑफ माइनस फाइव बाई टू वाई टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई टू। कैसे सॉल्व करते हैं नॉन एग्जैक्ट को, मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे इधर एक्स टू द पावर ऑफ माइनस फाइव बाई टू इधर लिखा, वाई टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई टू इधर लिखा, अंदर में जाएगा वाई स्क्वायर फिर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई और इधर लिख दीजिए आप डी एक्स, फिर इधर करो एक्स टू द पावर ऑफ माइनस फाइव बाई टू वाई टू द पावर ऑफ माइनस वन बाई टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स क्यूब के साथ में माइनस एक्स वाई और इधर चला आएगा आपका डी वाई इज इक्वल टू जीरो। कर दो आप पूरी तरह से इसको करो मल्टीप्लाई, अंदर में जब करोगे तो क्या आएगा एक्स टू द पावर ऑफ माइनस फाइव बाई टू है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई पावर में क्या आना चाहिए टू माइनस वन बाई टू, कितना होना चाहिए? अगर ये भी नहीं पता है तो इसको ऐसे कर लो, शर्म नहीं करना कि ये भी नहीं करना आता है, कर लो, कोई किसी को नहीं पता चलेगा, चुपके से कर लेना, ठीक है? तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर और ये वन, कितना हो गया थ्री बाई टू। यही सब छोटन देखन में छोटन लागे घाव करत गंभीर, आपको ये वाला चीज अगर यहीं पे अगर गलती कर दी है आपको माइंड में करने के लिए, ओवर स्मार्ट बनने के लिए, तो हो जाएगा पूरा मिस्टेक। इसीलिए आप ही लिख रहे हो ना, आपका पेपर कोई नहीं और नहीं देखेगा। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, फ्रैक्शन करने में दिक्कत है, लिख लो कॉपी में जाकर के, छाप लो और देख लो कि क्या है आंसर, फिर जाकर यहाँ पुट करना, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे से तो बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होता है जब हम माइंड में करते हैं, क्योंकि मेरा माइंड हमेशा धोखा देता है हमको, इसलिए हम लिख लेते हैं कॉपी में। तो ये थ्री बाई टू है, इसका काम हो चुका है। देखो एक्स टू द पावर ऑफ माइनस फाइव बाई टू वाई टू द पावर ऑफ थ्री बाई टू प्लस, चलो ये रख दो टू, और यहाँ पे x के पावर में क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए माइनस फाइव बाई टू होना चाहिए, दोनों को ऐड करना चाहिए। सो 2 माइनस फाइव बाई टू, ये नीचे में 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 टू जा 4 और ये आ जाएगा माइनस, तो 4 माइनस 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टू। तो लिखेगा मैंने x टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई टू वाई, फिर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया x हो गया, y का क्या करें, y का है पावर 1, 1 माइनस हाफ, एक में आधा घटा दोगे तो आधा ही बचेगा, तो y पावर 1 बाई टू। ये हो गया है पहला पार्ट जिससे आपको मिला है dx, उसी तरह से आप सेकेंड पार्ट निकालो, सेकेंड पार्ट निकाल लो, यहां पे करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 का 2 छोड़ दो, x के पावर में देखो माइनस फाइव बाई टू और 3 है तो 3 माइनस फाइव बाई टू, यहां पे 1 करो 2, 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना हो गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, तो 1 बाई टू हो गया। तो x के पावर में 1 बाई टू हो गया, y फिर क्या करना है हमको, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके साथ में, तो 2x का पावर हो गया, यहाँ पे y नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, y के पावर में माइनस 1 बाई टू है, ठीक है? फिर प्लस का माइनस माइनस हो गया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x का x रहने दो, माइनस 5 बाई टू प्लस 1, तो माइनस 5 बाई टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है और इधर माइनस 5 बाई टू है, तो क्या करेंगे 1 माइनस 5 बाई टू, तो 2 हो गया, ये 2
-5 तो कितना हो गया -3/2 तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ -3/2 ये हो गया और उसके बाद y के पावर में 1 - 1/2 यहाँ पे भी वही गेम हो रहा है कि 1 - 1/2 मतलब 1 में से आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हाफ हो गया ये बन चुका है आपका क्या ये बन चुका है आपका dy और लास्ट में कर दीजिए इक्वल टू 0 लास्ट में करो इक्वल टू 0 अब इसको हम थोड़ा सा अपने सॉल्यूशन से मैच करते हैं कि ये वाला वही चीज़ आया जब किया तो x टू द पावर ऑफ -5/2 y टू द पावर ऑफ 3/2 2x टू द पावर ऑफ -1/2 y टू द पावर ऑफ 1/2 सही है 2x टू द पावर ऑफ 1/2 y टू द पावर ऑफ -1/2 सही है फिर x टू द पावर ऑफ -3/2 y टू द पावर ऑफ 1/2 एकदम 100% बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है एग्जैक्ट बन चुका है अब क्या करना है अब सॉल्यूशन बोलो ना इसका सॉल्यूशन क्या होता है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू dx व्हेन यू ट्रीट y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n विदाउट x विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c ये होता है चलो अब गौर से आपको दिख रहा है कि टर्म्स ऑफ n ये आपका m है ये आपका n है n में कोई ऐसा टर्म है जो x का इंडिपेंडेंट हो सब के सब x से डिपेंड कर रहे हैं तो ये टर्म तो ऑब्वियसली जीरो होना ही है तो इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते ये चला गया सुटके में जीरो हो गया सिर्फ आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है इस वाले पोर्शन का x के रेस्पेक्ट में जब आप y को कॉन्स्टेंट लेते हो तो कर देते हैं ना डायरेक्ट तो y टू द पावर ऑफ 3/2 रहने दो कोई दिक्कत है छोड़ दो इसको इसका इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर ऑफ -5/2 किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में फिर प्लस फिर यहाँ पे 2y टू द पावर ऑफ 1/2 बाहर चलाएगा और आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है x टू द पावर ऑफ -1/2 किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा c कर दीजिए इसको सॉल्व y टू द पावर ऑफ 3/2 x टू द पावर ऑफ -5/2 प्लस 1 बाय -5/2 प्लस 1 प्लस 2y टू द पावर ऑफ 1/2 x टू द पावर ऑफ -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 की हो बे 1 - 5/2 2 - 5 - 3/2 आ गया तो इसको लिखेंगे y टू द पावर ऑफ 3/2 x टू द पावर ऑफ -3/2 कोई स्टेप जंप नहीं प्लस 2y टू द पावर ऑफ 1/2 है x टू द पावर ऑफ 1 - 1/2 मतलब हाफ तो यहाँ पे लिख दिया हाफ नीचे में भी 1 - 1/2 मतलब हाफ लिख दो अब क्या करना है अब पलट देना है पलट दो -2/3 x टू द पावर ऑफ -3/2 y टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस इसको इधर कर दो तो 2 - 2 = 4 हो जाएगा 4x टू द पावर ऑफ 1/2 y टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू c अब आंसर मैच कर लें -2/3 x टू द पावर ऑफ -3/2 y टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस 4x टू द पावर ऑफ 1/2 y टू द पावर ऑफ 1/2 इज इक्वल टू c स्वाहा अब क्योंकि ये अब हो चुका है आपका आंसर तो आप हो चुके होंगे अति अति प्रसन्न और देखिए कमाल डिजिटल बोर्ड का कि एक शॉट में हम वीडियो रिकॉर्ड कर दिए लेक्चर का अगर ये मेरे पास नहीं होता तो हम बार बार मिटाते रहो फिर एक बार मिटाओ एक बार छापो एक बार मिटाओ टाइम सेव हो गया ना इसीलिए बोला जाता है टेक्नोलॉजी आपके लाइफ को फास्ट कर देती है तो बहुत बहुत धन्यवाद ये काफ़ी एक हथियार एक ब्रह्मास्त्र आ चुका है और इसमें हम लोग बहुत चीज़ करेंगे अभी मेरी ट्रेनिंग हुई नहीं है ट्रेनिंग होगी अभी मुझे वो लोग कंपनी से कॉल करके बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देंगे कि आप इसको फास्ट बहुत ही जुडिशियस वेज में और कैसे इफेक्टिव वे में आप इसको यूज़ करें अभी तो मैंने अपने खुराफाती से थोड़ा बहुत चलाना सीखा है तो मैं अभी करा रहा हूँ इससे भी फास्ट मैं करा दूंगा और तो कोर्सेज तो हो ही गए मज़ा ही मज़ा है अब तो मैं दिन भर रात भर पढ़ाता रहूँगा मैं अच्छा जितना भी अपना है ना प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत सारे कोर्सेज मैंने जितना सीखा मैं सब डालता रहूँगा कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले मैं मैथ्स ख़त्म करूँगा उसके बाद फिर लाइफ टाइम तक मैं यही करूँगा पढ़ूँगा और कुछ भी नहीं मज़ा ही मज़ा है तो आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा रूल नंबर 6
1, 2, 3, 4, 5, 6 छह के छह रूल हम लोग खत्म कर चुके हैं। पूरे के पूरे जो आपके नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है वो पूरी तरह से हो चुका है आपका समाप्त। अगले लेक्चर में हम लोग एक नया टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से उठाएंगे, उसको उसी तरह से प्यार से, शिद्दत से, प्रेम से और आस्ते आस्ते सीखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।